वो चाहते हैं कि मैं मान लूं कि मेरे पापा ने सुसाइड किया था। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि उस वक्त मेरी मॉम ने क्या कहा था। तुम्हारे पापा ने सुसाइड नहीं किया था, वो तो इस्तांबुल हाई कोर्ट में अपना केस रिपोर्ट करने जा रहे थे। क्या ये लेटर का कोई हिस्सा है? पता नहीं कोई लेटर था भी या नहीं, सच क्या है झूठ क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पर उस वक्त माँ पर क्या गुजरी होगी वो मैं अब समझ पा रहा हूं। तुम चाहते हो कि ये सब भुला दें? ये आप क्या कह रहे हैं रिफत, आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ भुला दूं, उसने जो किया वो सब कुछ भूल जाऊं? मेरा जो दर्द है ना वो आप शायद समझ नहीं सकते, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मुझे सिर्फ एक विटनेस चाहिए, सिर्फ एक विटनेस जो मुझे बता सके कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। सारे एविडेंस अच्छे से मिटा दो और ये याद रखना कोई क्लू नहीं छूटना चाहिए। और हाँ, गाड़ी को खाई में ढकेल दो। सलीम भाई आप कहाँ हैं? प्लीज इसी वक्त वापस आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। जल्दी वापस आ जाइए प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे कॉल करना। सीजन निकल गया? यप। मीटिंग में जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मैं मीटिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ। Really? हाँ, मीटिंग के लिए बानो जा रही। तो ठीक है, यानी तुम ऑफिशियली मीटिंग करना चाहते हो। अगर तुम मुझे शेयर्स वापस कर देते तो मेरे लिए आसान हो जाता। वो भूल जाओ, तुमने तो कहा था तुम्हें पैसों का लालच नहीं है। अगर मैं कंपनी में पार्टनर रहूंगा तो उसका फायदा तुम्हें ही होगा। खैर, सही समय आने पर सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। सही समय आ चुका है सीजा, एक मिनट के लिए कार रोकोगे? अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम्हारे साथ बिजनेस करके कोई फायदा नहीं। मेरा भी तासीन कोलुदा की आंखों में आंखें डालकर बैठने का कोई इंटेंशन नहीं है। ये केस खत्म होते ही वो अपने रास्ते और फिर मैं अपने रास्ते। तुम अभी भी रिवेंज लेना चाहते हो? ये पापा ने करवाया है ना, वो तुम्हें मारने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हंटर्स हैं,
पता है ये भी मेरे ही प्लान का हिस्सा था। मैंने हंटर्स को हायर किया था ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं। मैंने सोचा था ये तुम्हें मीटिंग के बाद दे दूंगी, पर जब तुम मीटिंग में आ ही नहीं रहे तो इसे अभी रख लो। तासन कौरलुदाक की बेटी के लिए यह बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है। तुम्हें लगता है यह मेरे प्लान का हिस्सा है? यह सुहान के लिए है, तासन कौरलुदाक की बेटी के लिए नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों एक ही हैं। आई एम सॉरी। क्या हुआ, अपना रास्ता क्यों बदल लिया? अरे यार मैं क्या करूं, सामने से ट्रक इतना स्लो चल रहा था। गुड मॉर्निंग। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग मिस सुहान। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। क्या आपके पास ग्लूटेन फ्री कुकीज हैं? हाँ बिल्कुल है, कितनी पैक कर दूं? थोड़ी ज्यादा ले लेना, मैं भी खाऊंगा। 250 ग्राम्स? नहीं आप 500 ग्राम्स पैक कर दीजिए। अच्छा सुहान, तुम पेस्ट्री खाओगी क्या? मेरे लिए कुकीज काफी हैं। सफर लंबा है, बाद में भूख लगेगी तो मुझसे मत कहना। आप इन सबके साथ ये सैंडविचेस भी दे दीजिए और पेस्ट्रीज भी पैक कर दीजिएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, वो रास्ते में डिसाइड कर लेंगे। और थोड़ी सी ब्राउनी भी पैक कर दीजिए, ग्लूटेन फ्री होनी चाहिए। मुझे कुकीज वाला पैकेट वापस करो। तुम्हें बताया ना हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो, मैं इसको पार्क कर देता हूं। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मीटिंग में जाना है। तुम्हारी जगह कोरहान मीटिंग अटेंड कर लेगा। मुझे नहीं लगता आज कोरहान जा पाएगा। क्यों, बीमार है क्या? शायद। चाबी दो, चलो निकालो निकालो। मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम जाओगी, चाबी दो अभी के अभी प्लीज। अब यहां क्यों खड़ी हो, गाड़ी में बैठो ना। फोन रखो, मैं अभी बात नहीं कर सकती। कहाँ हो तुम? हाँ मिस्टर सीजर के साथ गई हो ना? हाँ तुम दोनों मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। मिस बानो का कॉल आया था। हम कहीं दूर आए हुए हैं। क्या बात कर रही हो, सच में? ठीक है जाओ, एंजॉय करो, बाय बाय बाय। सिरिन को मेरा हाय बोलना। चलो मैं रख रही हूँ। इस तरफ देखो, इस तरफ। हम यहाँ पिकनिक पर आए हैं क्या? मैं चाहता था कि एक दिन के लिए हम दोनों भूल जाए कि हम कौन हैं। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम सली अंकल से मिलने गए थे? शरीन ने बताया था। ठीक है, आई एम सॉरी, ना मैंने कुछ कहा ना सुना, सॉरी। तुम्हें पता है कि मेरे बचपन की सबसे बुरी याद मेरे पापा का फ्यूनरल है। वो मेरे ठीक सामने है, एक छोटे से कॉफिन में लेटे हुए थे।
वो मेरी लाइफ का सबसे पहला झटका था। बहुत प्यार करते थे वो लाइफ से, और वो हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा वो हमें बहुत प्यार करते थे, मतलब मॉम और मुझे। और अब सब लोग मुझे यकीन दिला रहे हैं कि मेरे पापा ने सुसाइड किया था, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो झूठ को प्रूफ करके रहूंगा। तुम देखना सोहन, सच तुम्हारे सामने कितनी जल्दी आएगा। तुम सही हो, मैं समझ सकती हूं तुमने काफी कुछ सहा होगा, और मैं भी ये प्रूव करूंगी कि मेरे पापा इसमें शामिल नहीं थे। तो फिर ठीक है, अगर हम मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तुम क्या कहती हो? तुम मेरा साथ दोगी सुहान? बोलो ना। ठीक है, हमें सबसे पहले तुरान नाम के आदमी से शुरू करना पड़ेगा। अगर वो मुंह खोलेगा तो कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ही। मिस्टर सीजर को लगता है कि ये सबके पीछे बुलेंद का हाथ है। उन्होंने उन्हें मारने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम्हें ऐसा लगता है? उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया कि ये जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है। सुनो तुरान, तुम्हारा स्टेटमेंट हमारे लिए सबसे जरूरी है। हम हुलिया और बुलेंद दोनों को कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं, मिसेस चाहिदे कोल्लुताब को भी। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने जो भी कहा था वो सब झूठ है। अब ये केस इतना सीरियस हो चुका है कि मैं डर गया हूं। जानता हूं कि तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर मैं उन पर ब्लेम नहीं लगा सकता। तुम अभी झूठ बोल रहे हो तुरान। उन्होंने तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया है ना? बताओ मुझे उन्होंने ये कैसे किया तुरान? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। साफ नजर आ रहा है तुम उनसे डर गए हो। और हाँ, आज से तुम मेरी लॉयर भी नहीं हो। मैं तुम्हें डिसमिस करता हूं, अब चली जाइए। देखो चाहिदे, मैं अब इस मामले में नहीं पड़ सकता। जब तक ये आदमी यहाँ से चला नहीं जाता, मेरा इस मामले से दूर रहना ही सही है। हाँ तो ठीक है, अच्छा डिसीजन लिया है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। हाँ, और तुरान वाला मामला मैंने पहले ही संभाल लिया है। ठीक है, अच्छा बुलेंद तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ओके बाय बाय। सीजर कहाँ पर हो तुम? प्लीज मुझे जल्दी से कॉल करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुरान पीछे हट गया है। जब से मैंने तुम्हारी डील एक्सेप्ट की है तुम्हारी टेंशन ही खत्म हो गई है, पर तुम्हारा ध्यान कहीं और है। उसकी वजह से हम एक दिन भी नहीं भूल सकते कि हम कौन हैं। सुहान, तुम क्या मुझ पर अब भी बिलीव नहीं करते? अब भी? तुमने कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। जब से हम मिले हैं मुझे तब से तुम पर डाउट है, ये मैंने तुमसे पहले ही दिन कह दिया था। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अब और क्या करूं? जैसे एग्जांपल के लिए, उस दिन जब एक चोर हमारे घर में घुसाया था, उस दिन सब लोग कहीं और थे, और शायद उस दिन तुम्हारी बहनों के साथ कोई मीटिंग थी, वो तो बाय चांस मैं घर चली आई। सीजा? मैं एक्चुअली यहां से गुजर रहा था। और तुमने बहुत ही बेकार सा बहाना बनाया, फिर तुमने मुझे किस किया? एक्चुअली मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो मुझे सब कुछ फिर से याद आ जाए उसके लिए हेल्प कर सकती हो? और फिर मिस्टर रफत पकड़े गए, उनके पास तुम्हारे जैसा ही बैकपैक था। उस दिन तुम अपने फैमिली की फोटोज चुराने आए थे। चुराने नहीं आया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं उन ड्राइंग्स को लेने आया था जो मेरे डैड ने बनाई थी। तो तुम मानते हो कि तुमने चोरी की थी?
मैं कह रहा हूँ वो चुराई गई थी और मैं उन्हें लेने आया था, बात खत्म। तो ये सच है कि तुम चोरी के लिए जेल गए थे? नहीं, चोरी के लिए नहीं, मैं बस उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाने के लिए आया था। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे डैड के हैं। हाँ। तुम सच में एक फ्रॉड आदमी हो, लायर, फेक और चीटर हो। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम ये जानना नहीं चाहती कि उस दिन मेरी लड़ाई किससे हुई थी? बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था कि तुम अपसेट हो जाओगी, और बताऊं भी तो कैसे बताऊं, तुम सुनना ही नहीं चाहती, है ना? लेकिन जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम उसे भी सुनना ही नहीं चाहती। सुहान, आई रियली लव यू। बात मत बदलो, आई डोंट ट्रस्ट यू। कोई एक पल भी नहीं भूलता कि उसके साथ कौन है। पर मुझे याद है जब मैंने तुम्हें किस किया था। मेरे पास मत आओ। तुम्हारे अलावा कुछ भी सच नहीं है सुहान। मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। अच्छा ठीक है, दरवाजा मुझे खोलने दो। कुछ भी मत कहना। मैं तो बोल चुका हूं, अब तुम्हें आई लव यू कहना है। अब बस भी करो। Can't believe this. जब मैं हर चीज के पीछे दौड़ रही थी तब वो सुहान के साथ enjoy कर रहा था। I don't think वो enjoy करने गया था। वो अपने plan पर focused है। मैं कह रही हूँ मिस्टर रिफत, मुझे यकीन हो गया है कि वो उसे प्यार करने लगा है। उसने मुझे पहले ही बताया था कि वो तहसीन कुरलुदा की बेटी को अपने प्यार में फंसाएगा। उसने ऐसा कहा था? उसने कहा था कि उसके घर में घुसने के लिए जो भी करना पड़े वो जरूर करेगा। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है मिस्टर रिफत। कैसी हो शरीन? मैं ठीक हूँ। फ्यूजन आंटी सो रही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक मैं यहीं पर बैठकर सीसा का कंप्यूटर यूज़ करती हूँ। मुझे उनका पासवर्ड नहीं पता है। मुझे पता है। क्या वो सीजर की कार में गए हैं? क्या मतलब तुम्हारा सुहान चली गई, कार छोड़कर चली गई? किसकी कार में चली गई वो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस वजह से इतने खुश हो। मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ अमेजिंग होटल्स हैं। क्या मेरे साथ वहाँ आज का दिन बिताओगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बस पूछ रहा था, गुस्सा क्यों हो रही हो यार?
मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन उस आदमी ने मेरे फादर की स्टोरी बताई, वो भी मेरी आंख से आंख मिलाकर। ओह, ये क्या है? कैसे उसने हमारी जिंदगी खराब की? ये गैरेज में लगा हुआ कैमरा है, मैं केस के लिए कुछ ढूंढ रही थी। इफ यू डोंट माइंड तुम जाते हो, जाते हो। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। वैसे अभी चांस है सुहान, क्योंकि आज का दिन अमेजिंग हो सकता है अगर तुम चाहो तो। दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। पर हमारे बीच सब खत्म हो गया है, इस बात को समझ लो। नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी एक्सीडेंट की न्यूज या कुछ और पता चले तो मुझे फौरन बताना। पर आपको क्यों लगता है कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ होगा मिस्टर तहसीन? मुझसे ये सब मत पूछो, जाओ यहाँ से, चलो जाओ। कार ले आए हो? जी हाँ ले आया हूँ। अदालत तुम जाओ यहाँ से। अगर आपने कुछ भी गलत किया होगा मिस्टर तहसीन, और सुहान और सीजर को जरा भी नुकसान पहुँचा तो ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। अदालत तुम जाओ यहाँ से, मेरी बात मानो प्लीज, तुम यहाँ से चली जाओ। काम पूरा हुआ? आपने कहा था कि उसे वापस जाने तक कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसे ऑब्वियस बनाने के लिए मुझे हाइड्रोलिक होस को थोड़ा काटना पड़ा, शायद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमें सुहान को उस कार से निकालने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। गॉड डैम इट, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने। मुझे इस बारे में सोचकर और गुस्सा आ रहा है कि उस दिन रिफत को बचाने के लिए तुमने मुझे किस किया। पर उसके बाद की किस बहुत ही जुनून थी, उसके बाद की सारी किसेस। चुप हो जाओ। और मुझे धोखा देने के लिए तुमने अपने पेरेंट्स को यूज किया, तुमने अपने डैड का गिफ्ट दिया। क्या सुहान, अभी वहीं अटकी हो क्या? कार जरा साइड में रुकाओ प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कार रोको। ऐसे कैसे गाड़ी रोक दूं, रास्ता कितना खराब है देखो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सीजा। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं लग रहा है। गाड़ी रोको सीजा। सुहान ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं। बहाने मत बनाओ और गाड़ी रोको। सीजा गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। मेरी बेटी को बचाओ साली, उसे उस गाड़ी से बाहर निकालो इससे पहले कि कुछ हो जाए। साली मेरी बेटी को बचाओ। साली सीजर उसे रोको। सुहान अपना सिर बचाओ।